नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत का एक मेजर योगदान रहा है। भारत दूसरे नंबर पर है विश्व भर में, जहां पर जो हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो हमारी बटालियंस हैं, ये जाकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब भारत आसियान देशों की जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित करेगा इन यूएन पीस मेकिंग ऑपरेशंस के लिए। आज के सेशन में इस न्यूज को हम देखेंगे, साथ साथ यूएन पीस मेकिंग मिशन एक्चुअली है क्या, कब से इसकी शुरुआत हुई, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज हेडलाइन। बिफोर जंपिंग इनटू द न्यूज, मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं अग्निपथ बैच के बारे में, जो कि आज से ही शुरू हुआ है दोस्तों। 2024 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूपीएससी सीएससी के, और आपने एक बहुत बड़ी संख्या में इस बैच में एनरोल किया है। बावजूद इसके कुछ ऐसे डीएम्स, कितने सारे बच्चों के डीएम्स हम तक पहुंच रहे हैं जो एनरोल नहीं कर पाए इस बैच में फॉर वेरियस रीजंस। तो इन डिमांड्स को देखते हुए हमने एनरोलमेंट्स को ओपन कर दिया है टिल 7th जून एट द सेम प्राइस। तो अगले 6-7 दिन आपके पास हैं जब आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में विद माय कोड NDLIFE10। ये कोड यूज करने का बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी आपको मिलेगी आपकी इस जर्नी में। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। वहीं हिस्ट्री समुद्र मंथन होने वाला है 4 जून को सुबह 10 बजे, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। इसके अलावा हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उसको फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई करते भी हैं, बहुत सारे कमेंट्स रह भी जाते हैं दोस्तों। तो आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। चलिए बात करते हैं न्यूज की। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रपोज किया था लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव के लिए, विच वॉज विमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये बेसिकली जो प्रपोजल था, ये इट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सपैंडिंग इंडिया आसियान, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनका आपस में, मतलब भारत और आसियान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको एक्सपैंड करने के लिए प्रपोजल दिया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए अब भारत बेसिकली कंडक्ट करने वाला है 2 इनिशिएटिव्स फॉर विमेन पर्सनल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं, इस साल में आगे होने वाले हैं। नाउ मैं आपको बताऊं, 29 मार्च जो है, 29 मार्च का वो दिन है जब 1948 में पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन शुरुआत हुई थी इसकी, विच वॉज यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके जो ऑपरेशंस थे ये शुरू हुए थे पैलेस्टाइन में, ठीक है। अब 29 मार्च को इस बार 2023 में 75 साल हो गए हैं यूएन पीस कीपिंग का जो मिशन था इसकी शुरुआत को, इसीलिए 29 मार्च मार्क्ड एज द 75th यूएन पीस कीपर्स डे। और भारत एक सबसे बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटर है टू द यूएन पीके। नाउ अगर मैं करंटली बात करूं तो वी हैव देयर अराउंड 5900 ट्रूप्स डिप्लॉयड इन 12 यूएन मिशंस फ्रॉम इंडिया। इस बार की जो थीम थी यूएन पीस कीपर्स डे की, इट वाज पीस बिगिंस विद मी, ठीक है। इसी मौके पर, मतलब ये पहले कहा गया था, प्रपोज किया गया था, जिसके बाद अब ये डिसाइड किया गया है कि एक जो विमेन जो कंटिजेंट होंगे या विमेन जो पर्सन होंगे उनको भारत ट्रेन करेगा आसियान देशों की। नाउ एक इनिशिएटिव जो होगा इसमें अंडर दी इंडिया आसियान इनिशिएटिव फॉर विमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ऑपरेशन, इसमें इंक्लूड किया जाएगा टेलर मेड कोर्सेज जो कि महिला पीस कीपर्स के लिए होंगे, जो भी आसियान मेंबर स्टेट हैं उनके, एट द सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग CUNPK इन इंडिया। ये सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। और इसकी शुरुआत होगी इस साल सितंबर में, जहां पर 20 पीस कीपर्स यानी 2 फ्रॉम ईच कंट्री, 2 महिलाएं आएंगी हर देश से, उनको ट्रेन किया जाएगा भारत में, ठीक है, जिसका टेलर मेड कोर्स होगा इन विमेन पीस कीपर्स के लिए। जो दूसरा है, इट इज द टेबल टॉप एक्सरसाइज, जो महिला अधिकारी होंगी आसियान की, इनकॉर्पोरेटिंग फेसेट्स ऑफ यू नो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स चैलेंजेस, इसको कंडक्ट किया जाएगा दिसंबर में। तो सितंबर और दिसंबर में ये 2 इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जो कि 2 बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जो कि भारत में किए जाएंगे फॉर दी आसियान वेमेन, ठीक है। भारत के अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है अप्रॉक्सीमेटली 275,000 ट्रूप्स टू द पीस कीपिंग मिशन सो फार 2023 तक, लगभग हम कह सकते हैं। और इस दौरान हमारे लगभग 159 जो सोल्जर्स हैं उनकी जाने भी गई हैं अक्रॉस दी ग्लोब, वो शहीद हो गए हैं। अगर करंट डिप्लॉयमेंट की बात छोड़ दें तो भारत ने प्लेज किया है, मतलब जो चल रहा है, जो हमने डिप्लॉयमेंट किए हैं वो तो है ही, इसके अलावा भारत ने प्लेज किया है एक इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप, अ नेवी कोवर्ट
कॉर्वेट विद हेलीकॉप्टर, एक हार्ड पावर की तरह, और एक इंजीनियर कंपनी और सिग्नल कंपनी एज फोर्स एनेबलर्स की तरह, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा एट द बिहेस्ट ऑफ यूएन। ठीक है, ऐसा आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है। नाउ 2016 में भारत और यूएस ने शुरू किया था एक एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ज्वाइंट ट्रेनिंग ऑफ यूएन पीस कीपर्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक, नाउ यहाँ पर तीन ऐसी एक्सरसाइजेस हो गई थी, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हो गई थी बिफोर ये इंटरप्ट हुई ड्यू टू कोविड-19, और उसके बाद एक रीवैम्प प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, मतलब फिर से इसको लॉन्च किया गया रीवैम्प करके। उसके बाद से दो ऐसी आइटरेशंस हो चुकी हैं। ठीक है, ये यूएस और इंडिया के बीच में जो जो ज्वाइंट एक तरह से एनुअल ट्रेनिंग होती है। ना ऑफिशियल्स का कहना है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ये आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने स्टैब्लिश कर दिया है सेंटर फॉर यूएन पीस कीपर्स इन न्यू दिल्ली, जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी, जो पहला इनिशिएटिव है, जो जो एक तरह से कह सकते हैं कि टेलर मेड जो कोर्सेज होंगे पीस कीपर्स के लिए, महिला पीस कीपर्स के लिए, वो यहाँ दिल्ली में होने वाले हैं। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन पीस कीपिंग ऑपरेशन, एंड द सेंटर ट्रेन मोर देन 12,000 ट्रूप्स एवरी ईयर। तो 12,000 ट्रूप्स हम हर साल ट्रेन भी करते हैं यहाँ पर। नाउ अगर महिलाओं के एंगेजमेंट की बात करो तो भारत ने डिप्लॉय किया है महिला एंगेजमेंट टीम्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशंस में, इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स एट अबेई, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट विमेन कंटिजेंट है आफ्टर लाइबेरिया। भारत ने डिप्लॉय किए हैं महिला मिलिट्री पुलिस इन यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स ऑल्सो, एंड वुमेन स्टाफ ऑफिसर्स एंड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन वेरियस मिशन। तो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट की गई, महिलाओं का जो जो ट्रूप्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है बढ़ चढ़कर भारत की ओर से। तो ऐसे में अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है जो वुमेन पीस कीपर्स हैं इन ऑपरेशंस के लिए उसका, जिसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए आगे आए हैं और हम ट्रेन करने वाले हैं इसको। चलिए बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन की। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, इन दोनों के बीच में यूएन के, जिसका उद्देश्य है कि वो असिस्ट करे सभी होस्ट कंट्रीज को कि वो ट्रांजिशन फ्रॉम सिचुएशन टू कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ आना है, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, पहला जो पीस कीपिंग एफर्ट थे वो 1948 में डिप्लॉय शुरुआत की गई थी इसकी, व्हेन इट डिप्लॉयड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू वेस्ट अफ्रीका। इसके बाद से बहुत बार ऐसा हुआ है। नाउ यूएन जो पीस कीपर हैं वो प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ साथ ये पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं टू कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज। यहाँ पे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन को, विच आर कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जो भी होस्ट हैं, जो भी कंट्रीज हैं जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनकी कंसेंट, इम्पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, नो यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ दी मैंडेट। तीन मिशंस पर ये काम करते हैं। 2021 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो टॉप 10 मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूटर्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा टॉप 10 पुलिस कॉन्ट्रीब्यूटर्स में भारत चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। 2021 के आंकड़े हैं ये, लेटेस्ट नहीं है यहाँ पर ये। नाउ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट क्या क्या करता है, भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज, इसकी अगर हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा इंडियंस ने सर्व किया है 49 यूएन पीस कीपिंग मिशंस में 1948 से लेकर अब तक। करंटली 5,581 इंडियंस पार्ट हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस का, अलग अलग पीस कीपिंग मिशंस का। 2007 में भारत पहला ऐसा राष्ट्र बन गया था जिसने डिप्लॉय किया था एन ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो 2007 में भारत ने पहली बार, विश्व में पहली बार एक महिला कंटिंजेंट को डिप्लॉय किया था इस तरह के मिशन के लिए। तो दिस इज अबाउट यूएन पीस कीपर्स एंड द ऑपरेशन। दोस्तों अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं इस कॉस्ट पर, लेकिन अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं तो आपको ये फ्री मिलने वाली है। इसी तरह से मेन टेस्ट सीरीज के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं तो ये भी आपको फ्री मिलने वाली है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की दोस्तों। इसके अलावा आप ऑफलाइन जो हिंदी मीडियम बैचेस है, सॉरी, वो 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं मेरे कोड के साथ। ये परस्पेक्टिव सीरीज ऐसे भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। हिंदी माध्यम से टॉपर बनने के लिए जो भी सजेशंस हैं, टिप्स हैं, तरीके हैं, वो आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे थ्रू द वीडियोस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, और हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया फॉर्म। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट आवर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर।